अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। वंस यू वेयर दिस यूनिफॉर्म, व्हाट इज द डिफरेंस? आई पुट ऑन दिस यूनिफॉर्म एट द एज ऑफ 19। ओके, सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। खदीजा, आपकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा, आप यू आर माशाल्लाह पायलट। एक एम था कि आप जो है वो पाकिस्तान को किसी तरह से सर्व कर सके। तो किस तरीके से, आपके क्या इमोशंस थे? वर यू कॉन्फिडेंट एनाफ या यू वर लिटिल नर्वस? फॉर द फर्स्ट टाइम सोलो हमारे साथ एक इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं। द फर्स्ट सोलो वाज ऑन मशाक एंड एट दैट टाइम आई डिड नॉट इवन नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अगर हम 23 मार्च की बात करें तो वो जो नजरिया पाकिस्तान था, ये दो कौमी नजरिया था, एट टाइम्स ऐसे लगता है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो ये भुला बैठी है। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा, उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जो 23 मार्च है, हम इसको कहते हैं तजदीद अहद वफा का दिन। हर कौम के, हर मुल्क के लिए कुछ उनके नेशनल डेज होते हैं जिनको वो बहुत खुशी के साथ, बड़े जज्बे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, उसके बाद उसमें आपने टारगेट सेट किया था उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने, कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया, कि हमें अपने दीन को अपनी जिंदगी में लेकर आना है।